सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस के बारे में कई चर्चाएं सुनी होंगी, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं सुशांत के फार्म हाउस के अंदर के नए 4 वीडियो। ये वीडियोस आपको ये बताएंगे कि सुशांत खुश थे और अच्छी सेहत में थे, इसलिए सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। ये वीडियोस बता रहे हैं कि सुशांत की तबीयत, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर बड़ा झूठ का जाल रच रही है रेहा चक्रवर्ती, और ये सब कुछ उनकी एक साजिश थी। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस हैंगआउट विला में किसी चीज की कमी नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत उनके फ्लैट में सैमुअल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सुशांत के फार्म हाउस के वीडियोस शेयर किए हैं। अब तक आपने सुशांत के फार्म हाउस की बाहर की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अब एनसीबी के हाथ में कुछ ऐसी वीडियोस लगी है जिनसे ये साबित होता है कि सुशांत को किसी तरीके का डिप्रेशन नहीं था। आपको बता दें, एक वीडियो गवाही दे रहा है कि सुशांत खुश थे, और वीडियो ये भी बता रहे हैं कि सुशांत का दिमाग, उनका शरीर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। यहाँ हम आपको 4 वीडियोस को मिलाकर एक साथ ले आए हैं और हम उनके बारे में आपको बताएंगे। आपको बता दें, एक क्लिप में सुशांत अपने फार्म हाउस पर निशानेबाजी कर रहे हैं और एक ही बार में सामने रखी बोतल को गिरा देते हैं। अचूक निशाना लगने पर सुशांत की खुशी भी आप देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें, एक वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत अपने फार्म हाउस की बालकनी में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे हैं और गिटार बजा रहे हैं। पीछे से गाने की आवाज आ रही है, ढलती शाम के साथ इस गाने को सुशांत पूरी तमन्नता से सुन रहे हैं। वहीं एक वीडियो की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि सुशांत भगवान शिव के भक्त थे। एक वीडियो क्लिप में बैकग्राउंड में कुछ मंत्र सुनाई दे रहे हैं, इसके साथ ही खूबसूरत नजारा भी देखा जा सकता है। वहीं अगर अगले वीडियो की बात करें तो वीडियो क्लिप में सुशांत पूरी एनर्जी के साथ टेबल टेनिस खेलते नजर आ रहे हैं। इस खिलाड़ी वाले जोश को देखकर कौन कह सकता है कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे। ये वीडियोस बता रहे हैं कि सुशांत अगर सटीक निशाना लगा सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, गिटार बजा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट थे। वहीं आपको बता दें कि माना जा रहा है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रेहा चक्रवर्ती की एक साजिश थी। वो जानती थी कि सुशांत इस दुनिया में नहीं रहेंगे, वो सुशांत का काम तमाम करने वाली थी, इसलिए उन्होंने एक साजिश रची जिसके तहत उन्होंने सुशांत को डिप्रेशन में डाला और साथ ही साथ उनको इस चीज का यकीन दिलवाया कि वो दिमागी तौर पर सही नहीं है, जिससे सुशांत को खुद भी आभास होने लगा कि वो डिप्रेशन का शिकार है, जिसके बाद उन्होंने अपना इलाज करवाया और रेहा चक्रवर्ती ने ये चीज को साबित कर दिया कि सुशांत डिप्रेशन में है। लेकिन अब धीरे धीरे रेहा चक्रवर्ती की हर एक पोल सामने आ रही है। रेहा चक्रवर्ती अपने ही जाल में फंसती दिखाई दे रही है। फिलहाल वो भाई खला जेल में कैद है। वहीं पर धीरे धीरे रेहा के सारे झूठों का पर्दाफाश होता दिखाई दे रहा है। अब जानना सिर्फ ये बाकी है कि क्या इस कांड में रेहा चक्रवर्ती अकेली थी या फिर उनके साथ कुछ बड़े लोगों का भी हाथ था। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।